आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं डेली बस इंडिया। बीते कुछ समय से पेट्रोल चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह वही पुरानी, पेट्रोल के बढ़ते दाम। हमने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की प्रक्रिया के बारे में सुना ही है। इन दोनों के आधार पर केंद्रीय परिवहन सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने एक बयान दिया है। उनका कहना है कि पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर लोग आक्रोश में हैं, विरोध कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि लोग अपनी गाड़ी में पेट्रोल की जगह एथेनॉल डलवा सकेंगे। दरअसल नितिन गडकरी 11 जुलाई को नागपुर में देश के पहले वाणिज्यिक तरल प्राकृतिक गैस LNG फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन करने वाले थे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत भी की। केंद्रीय मंत्री ने बात करते हुए कहा, हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था में पेट्रोल और डीजल पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर 8 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। हमने एक रणनीति तैयार की है। ये प्रभावी, प्रदूषण मुक्त और स्वदेशी एथेनॉल, जैव CNG, LNG और हाइड्रोजन ईंधन के विकास को बढ़ावा देती है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक अगर एथेनॉल को वाहन ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है तो 20 रुपये प्रति लीटर की बचत संभव होगी। आंकड़ों की माने तो एक पारंपरिक ट्रक इंजन को LNG इंजन में बदलने की औसत लागत लगभग 10 लाख रुपये है। एक ट्रक साल भर में लगभग 98,000 किलोमीटर चलता है, लिहाजा गाड़ियों को LNG में बदलने के लिए 9 से 10 महीनों में प्रति वाहन लगभग 11 लाख रुपए की बचत संभव होगी। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि एथेनॉल की पहल कैसे हुई। उन्होंने बताया, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लोग पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी को लेकर विरोध कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोगों को ऐसी सुविधा देंगे कि उन्हें पेट्रोल पंप पर ही एथेनॉल मिल जाए, इससे उनके पास एक और विकल्प होगा। केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल से हटकर वैकल्पिक ईंधनों पर भी विचार कर रही है। नितिन गडकरी के मुताबिक एथेनॉल, मेथेनॉल और बायो CNG जैसे ईंधन कच्चे तेल के आयात की बराबरी कर सकते हैं। इससे आम जनता का एक और फायदा है कि उन्हें ईंधन सही दामों पर मिल जाएगा। सरकार विभिन्न वैकल्पिक ईंधनों पर विचार कर रही है। चावल, मक्का और चीनी को बर्बाद होने से बचाने के लिए अधिशेष का उपयोग करना होगा। इसके अलावा चार पहिया और दो पहिया वाहनों के लिए फ्लेक्स इंजन अनिवार्य करने को लेकर आगामी 3 महीनों में निर्णय लिया जाएगा। दरअसल अमेरिका, कनाडा और ब्राज़ील जैसे कई देशों के पास फ्लेक्स इंजन पहले से ही मौजूद है। इस तरह के वाहनों की कीमत भी बाकी वाहनों जितनी ही होगी, चाहे पेट्रोल हो या डीजल। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।